अयोध्या में जो कुछ भी किया जाए वो उसी प्रकार से फीका है जिस प्रकार से एक सुंदर नारी और कपड़ा के विहीन हो। उसी प्रकार अयोध्या का जो मुख्य मुद्दा है वो रामलला है, राम जन्मभूमि है। जो चाहे किसी प्रकार की दीपावली मनाई जाए, वह दीपावली तब शुरू हुई जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या आए थे। तो राम जी जो विजय करके आए थे वो तो ताजपट्टी में पड़े हुए हैं, तो जिनके लिए दीपावली मनाई गई और जिसकी माध्यम से दीपावली आज सारे देश में मनाई जाती है वो तो राम, भगवान राम के विजय का है। और विजय के दृष्टिकोण से वही रामलला जिनके जो विजय करके आए थे वो आज ताजपट्टी में पड़े हुए हैं। और उनकी जो दशा है, जहाँ कहा गया है कि राजा राम और राजधानी, जहाँ राजा राम और थे वो आज ताजपट्टी में पड़े हुए हैं। और जिस महल को देख करके कुबेर भी लज्जित होते थे, उस महल में भगवान राम विराजमान रहते थे। आज चाहे जिस प्रकार की दीपावली मनाई जाए, राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार कुछ भी करे, लेकिन वह शोभा तभी देगा जब राम जन्मभूमि में भगवान राम का ताजपट्टी से हट करके किसी भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। भगवान राम लला भी अपने स्थान पर प्रकट होंगे और वहीं तुलसी का शुभारम्भ दीपावली के माध्यम से कि भगवान श्री राम लला जल्दी अपने स्थान पर पधारे, उसी भावना और उसी विचार के लिए मोदी जी, योगी जी और अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि और समस्त अयोध्या जी में दीपावली मना रहे हैं। छोटी दीपावली नहीं, ये बड़ी दीपावली मनाई जा रही है। इसमें घर घर में उत्साह कि भगवान राम जल्दी से जल्दी अपने स्थान पर आकर के सुशोभित हो जाए, इसी भावना इसी आदर को लेकर के सभी बड़े उत्साह से राम की दीपावली मना रहे हैं। वैसे तो नितनाव मंगल कौशलपुरी अयोध्या जी में प्रतिवर्षीय अच्छे उत्साह के साथ दीपावली मनाई जाती है और दीपावली मनाएंगे तो ये बड़े हर्ष की बात है। घर घर में दीपावली मनाई जाए, सभी सुखी और समृद्ध हैं, इसी भावना के अनुसार मोदी और योगी जी का हृदय से स्वागत करते हैं।